वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों मासा का जो एक प्रोडक्ट सामने आया है, वैसे इनका टोकन 2 महीने बाद जो है मार्केट में आएगा, मतलब 2-3 महीने बाद। टीजी इसका इसी साल है और इस साल होने की वजह से तो ये थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इनका पहला जो प्रोडक्ट आया है वो मासा एनालिटिक्स आया है। तो दोस्तों एनालिटिक्स होता क्या है? तो क्रिप्टो का जो एनालिटिक्स होता है उसके अंदर क्या होता है, जैसे किसी भी एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हुए हैं फलानी ट्रेड से लेके, अगर कोई भी जो डेक्स ये चाहती है कि कितनी ट्रेड हुई है मेरे इस टोकन से रिलेटेड, तो डेक्स के ऊपर जितनी भी ट्रेड हुई होगी पर्टिकुलर टोकन से रिलेटेड, वो सारा का एनालिटिकल जो डाटा होगा वो डेक्स के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये एनालिटिक्स यूज करने के बाद, तो ऐसे ही बहुत सारे यूज केस मैं बता देता हूं आपको। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो कौन कौन सी जो प्रोजेक्ट है वो यूज कर रहे हैं। पॉलीगॉन इसको यूज कर रहा है ऑलरेडी, मतलब इनकी पॉलीगॉन के साथ पार्टनरशिप है कहीं ना कहीं। क्विकसैप यूज कर रहा है, नियर प्रोटोकॉल यूज कर रहा है और crypto.com यूज कर रहा है, OKX जो है वो यूज कर रहा है। तो ये समझ लो कि एक दो तीन चार पांच जो जो प्रोजेक्ट हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है प्रोजेक्ट यूजिंग मासा एनालिटिक्स। तो समझ लो कि पांच जो प्रोजेक्ट हैं ऑलरेडी इनके साथ इंटीग्रेटेड है, इनकी जो कहीं पे जो इनकी एक्सचेंज यूज कर रही है, इनकी डेक्स यूज कर रही है, नियर कहीं ना कहीं किसी डाटा को निकालने के लिए जो मासा की एनालिटिक्स को यूज कर रहा है। ठीक है, तो एनालिटिक्स जो होता है वो एपीआई से भी जबरदस्त चीज होता है, इसके पीछे काफी सारी एपीआई काम करती है और किसी भी तरह के डाटा को वो निकालने में हेल्प करती है। ठीक है, और इसका जो इंटीग्रेशन है, अगर कोई डेवलपर खुद से करना चाहता है तो इंटीग्रेशन इज इजी। तो यहां पे बताया गया, ये कोड्स वगैरह दिए गए हैं, ये हमारे से रिलेटेड तो है नहीं, बट हाँ जो डेवलपर है इसको पढ़ के जो स्टेप बाय स्टेप है यूज करके इसको इंटीग्रेट कर सकता है। ठीक है, अब इसके अलावा एक और चीज सामने आई है, मासा एनालिटिक्स इज फॉर, ये किसके लिए है? मासा का जो एनालिटिक्स है वो है Layer 1 Layer 2 और Layer 1 और Layer 2 के लिए, बिकॉज कितनी जो Layer 1 के ऊपर क्या ट्रांजेक्शन हुई है, सारी चीजों का जो कुछ भी जो डाटा होगा वो निकालने के लिए जो मासा का जो एनालिटिक्स हेल्प करेगा। ठीक है, डेक्स एंड डीफाई गेमिंग एंड मेटावर्स एंड Web 2 एंटरप्राइजेस, तो ये सारी जो एंटरप्राइजेस इसके अंदर आती है, मतलब जो समझ लो कि Layer 1 से लेके गेमिंग से लेके डेक्स और Web 2 की एप्लीकेशन जो अभी तक रन हो रही है, सबका ही यूज केस इंटीग्रेशन पॉसिबल है मासा के साथ, मासा की एनालिटिक्स के साथ। ऑफ कोर्स मासा का जो एक प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं यूज हो सकता है। तो ये समझ लो कि मासा का जो मल्टीपल जो यूज केस है उसमें से एक ही यूज केस है वो कितना बड़ा हो सकता है फ्यूचर में, और Web 3.0 के लिए कितना बड़ा यूज केस ये आपके सामने आ सकता है। तो इतना ही ज्यादा वॉल्यूम इसका जो है वो आपको देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। ठीक है, और इसके अलावा आप देखते हैं थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर रहे हैं ये अपनी चीजों को, वो कैसे कर रहे हैं। देखो इसमें ये समझाया गया कि इस तरह से जो होगा यूनिक यूजर ए, जो यूजर है वो ए है, वो साइट्स के साथ कनेक्ट होगा, इस तरह से बताया गया है। फिर यूजर सेशन स्टार्टेड होगा साइट के साथ कनेक्ट करके, फिर उसके बाद ये सोशल के साथ कनेक्टेड होगा, और वॉलेट का जो से रिलेटेड जो चीजें हैं कि मतलब जो अलग अलग चेन है वॉलेट की, जो मल्टी चेन है उसका जो एनालिटिक्स है वो सीधा यहां पे मासा के पास, फिर उसका सोशल इवेंट बी के पास, मतलब डिस्कॉर्ड जो वगैरह है उसके साथ कनेक्टेड है, ये मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और SBT के साथ भी कनेक्टेड है, और मासा का जो डैप है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं घूम के इसके साथ मासा की डैप के साथ कनेक्ट होती है। ठीक है, इस तरह से ये काम करते हैं। और अब जो मैंने बताया था, जैसे इनमें बताया कि Layer 1 Layer 2 या गेमिंग इकोसिस्टम या किसी भी इकोसिस्टम के अंदर किस तरह से यूज होता है, तो सबसे पहले जो वॉलेट का इंटीग्रेशन है, तो मासा का इसकी जो एनालिटिक्स है वो वॉलेट के साथ इंटीग्रेट होती है, उसमें वो वॉलेट के साथ जब इंटीग्रेशन इसका हो जाता है एनालिटिकल का, तो उसके बाद ये जो वॉलेट की जो कुछ खास चीजें मतलब वो प्रोजेक्ट को देती है, तो वो कैसे देती है, जैसे मैसेज साइनिंग, जैसे कई बार क्या होता है कि अप्रूवल लेना पड़ता है किसी चीज का, जैसे आपने कुछ
कुछ भी वहां पे कनेक्ट किया, उसके बाद आपने एलो करना है कोई भी परमिशन वगैरह है, तो मासा मैसेज को साइन करने के लिए, मतलब आप साइन करोगे तो उसके बाद फर्दर चीजें आगे बढ़ेगी, तो साइन करने के लिए कितने साइन वगैरह हुए हैं, स्वैप कितने हुए हैं, ट्रेड कितने हुए हैं, जो जो मिंट जो है वो टाइप कितने टाइप के हैं, ERC-10 का जो मिंट हुआ है, SBT का या NFT का मिंट हुआ है, ये सारा जो डाटा का जो 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 पूरा डाटा है वो सारा का सारा वो प्रोजेक्ट को मिलता है, इसलिए वो एनालिटिकल का यूज करते हैं, वो भी मासा के, ठीक है। और यूजर का जो डाटा है, यूजर का जो डाटा है जैसे डेमोग्राफिक जो डाटा है, रीजनल एक्टिविटी, रीजनल एक्टिविटी ये होती है कि जैसे एक ग्रुप है, जैसे कि समझ लो डिस्कॉर्ड है या टेलीग्राम ग्रुप है, तो उसके अंदर जो इंडियन जो ग्रुप है उसमें कितने लोग हैं या उन्होंने क्या क्या एक्टिविटी करी है, जो कोई अमेरिकन लोग है, अमेरिकन का जो अलग अलग ग्रुप्स होता है उसमें क्या क्या जो है डाटा, कितने कितने लोग हैं और कौन कौन से लोग हैं, क्या ये पर्टिकुलर यूजर नेम का जो बंदा है इसके अंदर है कि नहीं, ये सारा डाटा जो यूजर डाटा हो गया, ठीक है। तो सोशल इवेंट, तो ट्विटर डिस्कॉर्ड एंड अदर सोशल मीडिया एक्टिविटी, तो जो सोशल जो इवेंट क्या क्या एक्टिविटी हुई, जैसे ट्विटर के अंदर जैसे आप ये जो एनालिटिकल जब कनेक्ट होता है ट्विटर के साथ और उनकी जो एप्लीकेशन के साथ और मासा का जो प्रोटोकॉल है उसके साथ, अब जो ट्विटर पे जो एक्टिविटी होती है, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट ये चाहता है कि इस जो जो पर्टिकुलर जो पर्सन है या कोई भी पर्टिकुलर जो कनेक्टिविटी है वो आगे जब ही बढ़ेगी, जब ट्विटर को ज्वाइन कर लेगी या डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लेगी या कोई और सोशल मीडिया को ज्वाइन कर लेगी, तो ये एक जस्ट एक एग्जांपल है, कुछ और दूसरी एक्टिविटी भी हो सकती है, जैसे कि ट्विटर के ऊपर जैसे उसने यूजर नेम के साथ अपना जो नाम जोड़ा है कि नहीं जोड़ा, तो ये सब चीजों का जो एनालिटिकल जो डाटा है वो सारा प्रोजेक्ट को यू नो इजीली मिल जाता है इनका मासा का एनालिटिकल यूज करने के बाद। तो वेब टू जो फ्रंट एंड इवेंट है, तो साइट विजिट क्लिक और रिटर्न विजिट एज वेल एज एट्रीब्यूशन डाटा। तो दोस्तों जब भी कोई वेबसाइट बनती है या कोई ये समझ लो कि वेबसाइट तो जस्ट एक नॉर्मल वर्ड हो जाएगा, हमारे में ऐप या डैप कह सकते हो, तो वेब टू से रिलेटेड जो डैप है मतलब डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, उसमें कितने क्लिक हुए हैं, कितने लोगों ने उसको विजिट किया है, कितने जो रिटर्न दोबारा से विजिट किया है कितने लोगों ने, और भी इससे रिलेटेड कुछ जो जो उससे रिलेटेड कुछ भी जो डाटा हो, मतलब किसी ने लॉग आउट कितने लोगों ने किया है, कोई अभी जो जो करंट में पेज के ऊपर कोई विजिट कर रहा है या एप्लीकेशन के ऊपर करंट में कितने लोग हैं, ये सारा का सारा जो एनालिटिकल जो डाटा होता है ये भी प्रोवाइड करवाते हैं। आइडेंटिटी इवेंट्स, तो KYC से रिलेटेड टू फैक्टर वेरिफिकेशन और सैंक्शन चेक ऑल परमिशन बाय द यूजर इनक्रिप्टेड विद JK प्रूफ। तो इसके अंदर ये बताया कि आइडेंटिटी से रिलेटेड, क्योंकि ये जो KYC के रिलेटेड भी काम करते हैं और टू फैक्टर वेरिफिकेशन भी है और सैंक्शन जो चेक्स है, तो जो जो भी परमिशन वगैरह मिलती है और जो भी पर्टिकुलर एक बंदे को आइडेंटिटी से रिलेटेड मतलब पर्टिकुलर आइडेंटिटी से रिलेटेड जो भी जो इसके अंदर परमिशन वगैरह दी जाएगी वो सारी की सारी JK प्रूफ से जो है JK प्रूफ जो है इंक्रिप्टेड जो इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है जो भी आइडेंटिटी से रिलेटेड हो, ताकि आपका जो डाटा है वो एकदम सेफ रहे, किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना है, मतलब सिक्योरिटी जो प्रोवाइड की गई है इसमें JK प्रूफ की वजह से है। अदर इवेंट डाटा का मतलब ये है कि जैसे किसी भी तरह का कोई अलग डाटा जो जिसके अंदर जैसे कोई ट्रांजैक्शन कितनी हुई है या कितने लोगों ने ये मिंटिंग की है या कितने लोगों ने एयरड्रॉप में पार्टिसिपेट किया है, मतलब कुछ भी अलग डाटा हो सकता है इनसे जो हटके है, तो ये एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। और जो भी डाटा होगा बिल्ट इन प्राइवेसी, इसके अंदर क्लियर शब्दों में ये गया है कि जीरो नॉलेज जो जो सोलबाउंड टोकन इसके अंदर यूज होते हैं वो जीरो नॉलेज होते हैं, और इसके अंदर जो डाटा को एनालिटिकल जो डाटा का जो इकोसिस्टम जो यूज किया जाता है वो JK प्रूफ जो से रिलेटेड है, और इसमें क्या होता है कि कोई भी डाटा लीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और इंक्रिप्टेड डाटा होता है, ये नहीं कि कोई भी आएगा खोल खाल के देख लेगा और इजीली यू नो कोई भी आके कोई हैकर आता है उसे देख लेगा और आपका जो डाटा वो लीक हो जाएगा, उसकी वजह से काफी लॉसेस वगैरह हो जाएंगे, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है, सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। तो बढ़िया प्रोडक्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, अभी तो पहला है और फ्यूचर में काफी और भी प्रोडक्ट इसके सामने आएंगे, और वेब थ्री
जो जो एक वेब थ्री जो का जो लेबल है ना उसको बूस्ट करने का एक काम करते हैं। आगे आगे आप देखना कितने अच्छे अच्छे इसके अंदर जो चीजें इंक्लूड होती है। तो ये छोटा सा रिव्यू था मासा का एनालिटिक्स के ऊपर।